हेलो आई एम शिराज फ्रॉम वेस्ट डेली एंड आई एम थर्टी टू ईयर ओल्ड मैन सो आई केम हेयर फॉर माई हेयर ट्रीटमेंट जस्ट लाइक टेन मंथ्स बिफोर इन अक्टूबर सो आज मेरी ये सिचुएशन है वैसे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दस महीने पहले मैं आया था uh, मेरे बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग हो गई थी और बॉल्डनेस आ गई थी एक्चुअल में काफ़ी जो मुझे आज पता लगा असलियत तो दस महीने पहले मैं आया था तो हेयर ट्रीटमेंट के लिए सर ने मेरे को बोला वी शुड गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट पे गया और मेरा टेंपल एरिया था हेयर लाइन थी और थोड़ा क्राउन पे वर्क हुआ हुआ था मेरे करा था तो पंद्रह सौ ग्राफ्ट उन्होंने मेरे किए थे जिससे मैं मेडिकेशन पर भी, भी था और शुरुआत में मेरे को हेयर थिनिंग भी हुई थी जो मुझे बताया था एक्चुअल में पहले बता दिया था मुझे उसके बाद मेरी डेंसिटी आने लग गई मैं मिनोक्सीड्रिल वगैरह भी यूज़ की मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन पर थी सारी मेडिसिन यूज़ करी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया मुझे और अभी एक दो महीने पहले ये मानसून सीजन आ रहा है इस वजह से आई गेस तो मैं थोड़ा सा फेडअप हो गया था अब से मुझे इचिंग वगैरह शुरू हो गई थी तो हेयर थिनिंग फिर से होने लग गई मेरे तो अब मैं दोबारा आया और अब मेरी मेडिसिन वगैरह अब दोबारा स्टार्ट हो रही है चेंज करी है मेरी भी थोड़ी गलती है मैं एक महीना लेट आया और अब मैम जो बता रही है मुझे उस मेडिसिन पे चलना है तो मुझे ये आ, सत्या क्लिनिक के बारे में बेसिकली लोगों से कई का, लोगों से पता लगा था उसके बाद मैंने रिव्यूज़ इंटरनेट पे देखे यूट्यूब पे भी सर्च किया मैंने तो मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिखे तो मैं आया और मुझे बेसिकली कैसे भी करके अपने बाल वापस लाने थे क्योंकि इसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था एक तो सबसे पहले तो अपनी लुक्स पे ही मेरी लुक्स ख़राब हो रही थी और मेरा मतलब मेरे शूट्स में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी और मैं थोड़ा मसल मॉडलिंग में भी जाता हूँ मतलब आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट तो उसके लिए भी मेरी पर्सनल लुक्स वगैरह ख़राब हो रही थी तो मुझे ये एक साल पहले करवाना चाहिए था मैं फिर भी लेट हूँ तो मैं सत्या क्लिनिक आया और इधर मैं मतलब मेन जो डॉक्टर हैं मिस्टर शैल शैल गुप्ता उनसे मैं मिला तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था पहली बात तो उनकी एम्बियंस इतनी पॉजिटिव है उन्होंने मुझे हमेशा मतलब मैं उनसे दो तीन चार बार जितनी बार भी मिला उन्होंने हमेशा ये बोला है बी पॉज़िटिव हमेशा पॉजिटिविटी उन्होंने मुझे दी है और उन्होंने मुझे बोला सीधा कोई बात नहीं जो भी होगा मैं बैठा हूँ तो मैं परफेक्ट कर छोड़ूँगा और उन्होंने मेरे को बहुत पॉजिटिव दिया Uh, सारा रिस्पांस जिसकी वजह से मैं इसको मतलब आगे फर्दर मैं इसको कंटिन्यू किया और बीइंग अ डॉक्टर उन्होंने मुझे मतलब एक अर्निंग सोर्स से मुझे पॉजिटिवनेस नहीं दी उन्होंने मुझे uh, मतलब मेरे को मतलब डीमोटिवेट होते हुए देख कर उन्होंने मुझे पॉजिटिविटी मेरे अंदर डाली कि तू कर सकता है यू आर गुड यू आर गुड इनफ टू डू ईच एंड एवरी थिंग तो जिस वजह से मेरे मतलब मैंने ट्रांसप्लांट का सोच लिया और मैं वैसे भी ट्रांसप्लांट मुझे कराना ही था तो इन सब बातों की वजह से आ, मैंने मतलब मेरी जो जर्नी थी ट्रांसप्लांट की बहुत अच्छी रही फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी है और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और जिन जिन से भी मैं फॉलोअप के लिए मिला सभी बहुत अच्छे हैं